नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम रामचंद्र विपुल है। आज बात करने वाले हैं एक उबर टैक्सी के बारे में, जो उड़ने वाली टैक्सी है। उबर की उड़ने वाली टैक्सी लंबे समय से सुर्खियों में है। कंपनी ने पहली बार लोगों को अंदर से अपनी एयर टैक्सी की झलक दिखाई है। सही है, आपको बता दें कि कैसी है उबर की उड़ने वाली टैक्सी। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं इस टैक्सी के बारे में। पहले उबर ने फ्लाइंग टैक्सी का प्रोटोटाइप डिजिटल डिज़ाइन शेयर किया था, मगर अब कंपनी ने उन एयर टैक्सी को दिखाया है कि जिन्हें उड़ाया जाएगा। उबर ने वॉशिंगटन डीसी में चल रहे सालाना उबर एलिवेट फ्लाइंग टैक्सी को कॉन्फ्रेंस में इसे लोगों के सामने पेश किया है। उबर अगले साल फ्लाइंग टैक्सी की टेस्टिंग शुरू करेगा। उबर एयर टैक्सी अंदर से काफ़ी हद तक ट्रेडिशनल हेलीकॉप्टर की तरह ही है। इसका इंटीरियर फ्रांस की एयरोस्पेस कंपनी सेफ्रॉन ने डिज़ाइन किया है। नाम तो आपने सुना ही होगा सेफ्रॉन का। इसमें 4 लोग यात्री कर सकते हैं। उबर की एयर टैक्सी में आप बहुत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। जाहिर सी बात है, ये उड़ेगी, इसलिए आपको कुछ ट्रैफिक या और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए आप जल्दी पहुंच जाएंगे। क्योंकि इसकी एक राइड 20 मिनट से ज़्यादा समय की नहीं होगी। इसमें 20 मिनट में पिकअप एंड ड्रॉप शामिल है। इसमें इस उबर फ्लाइंग टैक्सी में आपको 20 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठने को मिलेगा। अभी यह साफ नहीं है कि उबर की एयर टैक्सी से उड़ान भरने का कितना किराया लगेगा, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि एयर टैक्सी की राइड ट्रेडिशनल हेलीकॉप्टर की राइड से सस्ती होगी। अवश्य सस्ती होगी तो ही लोग इसे यूज़ करेंगे, नहीं तो हेलीकॉप्टर भी आपको पता ही है मिलते हैं राइडिंग में। इस एयर टैक्सी में बैठने वाले 4 यात्री के लिए कार की तरह अलग अलग वीडियो के फोर्ब्स के मुताबिक इसकी सीट्स पर अल्ट्रा लेदर का इस्तेमाल करके इन्हें स्लीक बनाया गया है, ताकि पैसेंजर आसानी से एयर टैक्सी में बैठ और उतर सके। इसमें यात्रियों के सामान रखने की भी सुविधा आपको मिल जाएगी। जो भी आपका लगेज है वो आप रख सकते हैं इस टैक्सी में। फ्लाइंग टैक्सी के अंदर खास तरह की लाइटिंग है। जब यह उड़ान भरेगी तब इसमें अंदर ब्लू लाइट चलेगी, और जब यात्री उतरने लगेंगे तो फ्लाइंग टैक्सी के अंदर वाइट लाइट चलने लगेगी। तो अच्छी बात है, आपको इसमें बहुत बढ़िया और ज़बरदस्त लाइटिंग भी देखने को मिलेगी। उबर यह टैक्सी सर्विस सबसे पहले टेक्सास के डलास में और लॉस एंजलिस में शुरू करेगा। इसके बाद दूसरी जगहों पर सर्विस शुरू करेगा। आपको पता ही है उबर कितना बड़ा कंपनी है, तो वो बड़े बड़े शहरों में ही, सबसे बड़े देश है उसी में पेश करेगा। तो सबसे पहले लॉस एंजलिस में अपनी सर्विस शुरू करेगा, बाद में धीरे धीरे आएगा। हालांकि ये पुष्टि नहीं हुई है कि इंडिया में कब तक आएगी ये टैक्सी, फ्लाई टैक्सी। तो इंडिया में तो कुछ कह नहीं सकते हैं, आई होप जल्दी आ जाए। ऐसा नहीं है कि ये भारत में नहीं आएगी। भारत में भी उबर बातचीत कर रही है कि हम इसे लॉन्च करें। उबर अपनी एयर टैक्सी सर्विस भारत में भी बहुत जल्द लॉन्च कर सकती है। आई होप बहुत जल्द लॉन्च हो जाए। इसके लिए कंपनी लगातार बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है। तो थी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन, लेकिन हमारा चैनल का मकसद ही यही है कि आपको हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा जाए। अगर ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ये फ्लाइंग टैक्सी के बारे में बता दीजिए, और हो सके तो कमेंट भी कर दीजिए। जो मन में हो, आपके सवाल जवाब जो भी करना है तो कमेंट कर दीजिए। अवश्य कमेंट करोगे तो हमें अच्छा लगेगा। और इतना सब कुछ कर दिया है और हमारे वीडियो रेगुलरली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, आप जहाँ भी रहे वहाँ सुखी रहे।